राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मीनाक्षी गार्डन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान तोगड़िया ने हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संगठित होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ आना होगा और इसके लिए उन्होंने बाकायदा संकल्प भी दिलाया है। संकल्प के तहत कहा कि देश भर में 1,00,000 साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र बनाना होगा। 70 करोड़ हिंदुओं को सोशल मीडिया और 40 करोड़ हिंदुओं को फोन कर जगाना होगा। हिंदू संगठनों पर बैन नहीं लगना चाहिए। वहीं तोगड़िया ने फिल्म द केरला स्टोरी को वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म बताते हुए हिंदू लड़कियों की रक्षा की अपील की है। यह देश में किसी भी हिंदू संगठन प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हिंदू इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का भोग है। मंदिर टूटे हैं, गाय कटी है, लोग मरे हैं, तो भोग बनने वाले को सजा कैसे करेंगे? क्या बलात्कार की घटना में बलात्कार की भोग बनने वाली महिला को सजा करते नहीं करते? बजरंग दल की तुलना PFI जैसे आतंकवादी संगठन से की गई है। PFI पर प्रतिबंध है, लगना चाहिए, और भारत में उनको आतंकवादी संगठनों को काम करने का PFI को कोई अधिकार है? बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात कही गई है नहीं लगना चाहिए। आपने कहा हिंदू खतरे में, मैंने उदाहरण दे दिए, सिर्फ कहा नहीं, मैंने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक जहाँ भाजपा की सरकार है उनके भी उदाहरण दिए और भाजपा की नहीं है उसको उदाहरण दिए। तो हिंदू खतरे में वह सच है, पर फिल्म की वास्तविक सामाजिक जीवन का वो घटना का चित्रण करती है और हिंदू लड़कियों को फंसाना ये तो देश भर में हो ही रहा है और हिंदू लड़कियों को बचाना जरूरी भी है।